नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम देखेंगे सितंबर माह के करंट अफेयर्स। सितंबर माह में आज हम देखेंगे 16 से 30 सितंबर के करंट अफेयर्स। अगर आपने 1 सितंबर से 15 सितंबर के करंट अफेयर्स नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में आप मैंने उसका लिंक दे रखा है, आप वहां जा कर के आप 1 से 15 सितंबर के करंट अफेयर्स देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में किस ज़िले ने गिरदावरी कार्य, खसरा और भूयां सॉफ्टवेयर में 100% ऑनलाइन प्रविष्टि करने का प्रथम स्थान प्राप्त किया है? आपके ऑप्शंस हैं ए राजनांदगांव, बी दुर्ग, सी कवर्धा, डी कोंडागांव। तो इसमें जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया है वो ज़िला है ऑप्शन डी कोंडागांव। कोंडागांव ने जो है वह गिरदावरी कार्य, खसरा कार्य को जितने भी आंकड़े थे उन आंकड़ों को जो है जो भी इन्फॉर्मेशन थी उन्हें भूयां सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो है ऑनलाइन प्रविष्टि कर जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट है, कितने विकास खंड में अगले सत्र से इंग्लिश मीडियम स्कूल संचालित किए जाएंगे? आपके ऑप्शंस हैं ए 123, बी 100, सी 146, डी 150। तो अगले सत्र से जो है वो 146 विकास खंड में जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल संचालित किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जो है उच्च अधोसंरचना के साथ बच्चों को जो है उच्च स्तर शिक्षा प्रदान की जाएगी। सरकारी स्कूल में भी जो है अब इंग्लिश मीडियम की स्तर पे जो है शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जो है यह इंग्लिश मीडियम स्कूल का जो संचालन है वह विकासखंड स्तर पर किया जाएगा ताकि बच्चों को जो है उच्च शिक्षा, उच्च गुणवत्ता वाली जो शिक्षा है वह प्रदान की जा सके। नेक्स्ट, खाड़ा बांध के टूटने की वजह से किस जिले में बाढ़ की स्थिति बन गई थी? आपके ऑप्शंस हैं ए दुर्ग, बी कवर्धा, सी बस्तर, डी कोरिया। तो खाड़ा बांध के टूटने से किस ज़िले में बाढ़ की स्थिति बन गई थी? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी कोरिया। खाड़ा बांध जो है वह कोरिया जिला में स्थित है। हाल ही में अधिक जल जमाव के कारण जो है यह बांध जो है उसका एक हिस्सा जो है वह टूट गया था, जिसके कारण जो आसपास के क्षेत्रों में जो है बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी, इसलिए ये जो है बांध अभी हाल ही में चर्चा में रहा। तो खाड़ा बांध जो है ये किस जिला में है? तो ये कोरिया जिला में है। नेक्स्ट, हाल ही में COVID-19 मरीजों के मदद के लिए विशेष रूप से रोबोट का शुभारंभ किया गया है, उसका नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए मितान, बी भारती, सी संजीवनी, डी रक्षक। तो उस रोबोट का नाम है ऑप्शन बी भारती। ये आप उस रोबोट की इमेज देख सकते हैं। डॉक्टर जो हैं जब कोविड मरीजों के संपर्क में आते हैं तो उन्हें संक्रमित होने का खतरा बना रहता है। इस रोबोट की मदद से जो है उन्हें उनकी सुरक्षा भी सुरक्षित रहेंगे और साथ ही जो है जो इलाज है वो भी प्रभावी ढंग से कर पाएंगे। इसलिए जो है इस रोबोट का जो है शुभारंभ किया गया है और यह जो है काफ़ी कारगर साबित होगा। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ पुलिस ने कौन सा मोबाइल ऐप जारी किया है? आपके ऑप्शंस हैं ए सतर्क ऐप, बी सावधान ऐप, सी सीजी कॉप ऐप, डी सुरक्षा ऐप। तो छत्तीसगढ़ पुलिस ने जो है वह ऑप्शन सी सीजी कॉप ऐप जो है वो लॉन्च किया है। प्रदेश में बढ़ती हुई अपराधी गतिविधियों को नियंत्रण करने के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा जो है यह ऐप जो है हाल ही में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, कोरोना काल में स्कूली बच्चों को मध्याह्न भोजन देने में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान रहा है? आपके ऑप्शंस हैं ए दूसरा, बी पांचवा, सी पहला, डी तीसरा। तो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। छत्तीसगढ़ का जो है वह पहला स्थान रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जो है बच्चों को मध्याह्न भोजन जो है वह उनकी घर
पहुंचा करके जो है एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। चूँकि कोरोना काल में सारे जितने भी स्कूल थे वो बंद थे, तो बच्चों को जो है उनके मध्यान्ह भोजन जो भी है उन्हें उनके घर पहुंचा करके जो यह कीर्तिमान स्थापित किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट है, किन्हें मुख्यमंत्री गौरव अलंकार के तहत ज्ञानदीप पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए रमेश चंद, बी चंद्र कुमार साहू, सी रुक्मणी सोरी, डी ममता चंद्राकर। तो जिन्हें ज्ञानदीप पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वे हैं ऑप्शन सी रुक्मणी सोरी जी हैं। रुक्मणी सोरी जी जो हैं इन्हें जो है मुख्यमंत्री गौरव अलंकार के तहत जो है ज्ञानदीप पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साथ ही एक बात और भी याद रखिए कि रुक्मणी सोरी जी किस जिले से संबंधित हैं, तो ये दुर्ग जिले से संबंधित हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। मोर घर मोर बाड़ी ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन किस विभाग द्वारा किया गया? आपके ऑप्शंस हैं ए महिला एवं बाल विकास द्वारा, बी शिक्षा विभाग द्वारा, सी गृह विभाग द्वारा, डी राजस्व विभाग द्वारा। तो मोर घर मोर बाड़ी ऑनलाइन जो वेबिनार का आयोजन है, यह इसका आयोजन जो है वह महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जो है किया गया। यूनिसेफ की सहायता से जो है एक डिजिटल मीटिंग का आयोजन किया गया और इसमें जागरूकता अभियान चलाया गया। तो मोर घर मोर बाड़ी ऑनलाइन वेबिनार जो है आयोजन जो है यह महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जो है आयोजन किया गया। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नई आरक्षण व्यवस्था किस आधार पर लागू होने की संभावना है? आपके ऑप्शंस हैं ए आधार कार्ड, बी वोटर आईडी कार्ड, सी निवास प्रमाण पत्र, डी राशन कार्ड। तो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जो है नई आरक्षण व्यवस्था जो है वह जिस आधार पे लागू होने की संभावना है वो है ऑप्शन डी राशन कार्ड। राशन कार्ड के आधार पे जो है अब आरक्षण लाने की संभावना है, ऐसा सरकार द्वारा जो है संभावना जताई जा रही है कि राशन कार्ड के आधार पे जो है वह आरक्षण जो है प्रदान किया जाएगा। एपीएल और बीपीएल परिवारों को जो अलग अलग जो राशन कार्ड जो है प्रदान किए जाते हैं उनके आधार पर जो है यह आरक्षण प्रदान किया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट है, प्रदेश के सभी वर्ग के लोगों को साक्षर बनाने के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी सबो पढ़बो, ऑप्शन सी पढ़ना बढ़ना, ऑप्शन डी साक्षर छत्तीसगढ़। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी पढ़ना बढ़ना। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जो है सभी लोगों को साक्षर बनाने के लिए एक जो है बड़े स्तर पे जो अभियान चलाया जा रहा है जिसका नाम है पढ़ना बढ़ना, जिसमें जो भी व्यक्ति जो है किसी न किसी स्थिति के कारण जो है परिस्थितियों के कारण जो है वह जो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए थे, अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहते हैं उनके लिए जो है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जो है यह अभियान चलाया जा रहा है पढ़ना बढ़ना, ताकि वो अपनी शिक्षा पूरी कर सकें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह है आज का सवाल। इस सवाल का जवाब दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज का सवाल है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए 1 सितंबर, बी 16 सितंबर, सी 27 सितंबर, डी 30 सितंबर। तो इस प्रश्न का जवाब जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों के बीच शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा अगर आपके कोई सुझाव हो या आपको ये वीडियो कैसा लगा हो। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद।